कैसे आप लोग, वेलकम टू सीपी ब्लॉग्स। मेरा नाम है चंदन। तो गाइस कैसे आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसलिए आप जब सभी जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। और गाइस आज किसका व्लॉग होने वाला, जानते हो? यह पीछे जो लाइन जा रही है इसी का व्लॉग होगा। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स हैं, ये देख ही सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पर फ्लावर्स हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इसमें मैं आज आउटर व्यू देने वाला हूँ फ्लावर्स का, कि मैं फ्लावर्स की व्यू दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि दिखाऊं। तो ये वीडियो तो सारी सिनेमैटिक्स में हो जाएगी, वीडियो और व्लॉग कुछ भी, तो ये तो सिनेमैटिक्स में हो जाएगा। तो सारा सिनेमैटिक्स देखिए और उसमें मैं कुछ बताऊंगा भी कि ये कितने दिन चलने वाले, कितने दिन नहीं चलने वाले, ये मैं सिनेमैटिक्स के बाद दिखाऊँगा, क्योंकि आपने फिर सिनेमैटिक्स देखना नहीं है, भाग जाना जल्दी से। तो इसीलिए मैं पहले सिनेमैटिक्स बनाऊँगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो चलो सिनेमैटिक्स देखने चले। एक सिनेमैटिक्स ऐसा होने वाला है कि इसका पूरा 360 व्यू दिखाने वाला हूं। तो वो मैं सिनेमैटिक्स जो है पहली बार ही यूज़ करने जा रहा हूं, तो देखता हूं कि कैसी फील आती है। ये था 360 डिग्री, जो इसको बोलते हैं 360 डिग्री सिनेमैटिक्स। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसे साथ में जाके। तो पहले तो वो देखिए कि जो हमारे पास गोल चक्कर है वो कितना अच्छा लग रहा है पीछे, और भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। सभी जितना भी हमारा व्यू है इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं ये पहली बार दूर करके खींच रहा हूँ, उसमें नेट वगैरह जो इसमें थे वो थोड़े ढीले हुए थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा टाइट किया था। और जब वाइड एंगल व्यू आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाइड एंगल तो नहीं है लेकिन दूर से व्यू आता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो चलो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ गाइस। कुछ यहाँ मेरे पीछे जो ये छोटी सी गार्डन बनी हुई है, इसके सिनेमैटिक्स हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो इसके सिनेमैटिक्स देखना चाहते हो ना, पहले थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो इसके सिनेमैटिक्स देखना चाहते हो ना, तो चलो देखो। सच्ची में वाइड एंगल में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं देख रहा था, जो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी उसको देख रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचा कि वाइड एंगल में बनाया जाए, कितना अच्छा ये व्यू दिखाता है आस तरफ का। और मैं वाइड एंगल में बनाता ही नहीं था, मेरे को वाइड एंगल का मतलब ही नहीं असल में पता था, लेकिन अब पता लग गया तो अब ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है तो बनाना तो पड़ता है। और थोड़ा सा मेरे को स्टेबल करने में, कैमरा को स्टेबल करने में, पकड़ने में थोड़ी सी मेरे को मुश्किल आ रही, लेकिन वो भी सॉल्व कर ही लेंगे। तो देखिए गाइस कितना अच्छा इसका व्यू जो आ रहा है ना, मेरे को मज़ा आ रहा है। ये गोल चक्कर का व्यू तो मेरे को देख के ना मज़ा ही आ जाता है। इस पर व्लॉग आने वाला है, इस पर व्लॉग आएगा, मेरे को अभी टाइम नहीं लग रहा लेकिन इस पर व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि इसका मैं थोड़ा सा आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा इसमें जो है लग रहे हैं फ्लावर्स वगैरह लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे सभी फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं इसमें, इसको अच्छी तरह मेंटेन करके रखा हुआ है ना, इसीलिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। कहीं पे रोज़ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, काफ़ी जो हमने लगाए हुए हैं तो मज़ा आता है गाइस। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो ये सभी व्यू तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को नहीं पता था कि वाइड एंगल में इतना अच्छा लगता है, लेकिन अब जितनी भी वीडियो बनेंगी आपके भाई की, किस में बनेंगी? वाइड एंगल्स में। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, और शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना, लाइक तो करना ही है। तो चलो बाय।